भैया थोड़ा तीखा ज्यादा रखना, तीखा और मीठा थोड़ा कम, और मीठा और तीखा दोनों बराबर मात्रा में मिलाइएगा। अरे पापड़ी दे दो ना, नए हो क्या रायपुर में? मानो गुपचुप नहीं ताजमहल बनवा रहे हो। हटिए भाई, साइड से हटिए, साइड से हटिए। नमस्कार, मैं हूँ पलाश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है जनता बोल के इस एपिसोड में, जहाँ आप अपनी मनपसंद चीजें चुनते हैं और हम उसे ट्राई और टेस्ट करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं, उनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो स्वागत करते हैं हमारे मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स का, नहीं नहीं नहीं, हमारे लोकल बेयर ग्रिल्स का डीजे नैडी। मैं डीजे नैडी पहुंच चुका हूं द लोकल के ऑफिस पर। मुझे बहुत ही भूख लगी और मुझे पता चला यहाँ गुपचुप मिलने वाले हैं, वो भी रायपुर के बेस्ट। वो देखिए, ये आदमी पहले पेंडेमिक के एक्टर और सिंगर हुआ करते थे, लेकिन अब ये गुपचुप बेच रहे हैं। क्या भैया, आप भी मेरे ले रहे हो यार। खैर कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। वेलकम टू द लोकल जनता बोल, और मैंने आपके सारे एपिसोड देखे हैं, खासकर मैन वर्सेस वाइल्ड मेरा फेवरेट है, तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ एपिसोड करने में। क्या आप रेडी हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो चालू करते हैं गोलगप्पे, पानी बताशे सब खाने। तो नैडी भाई, आपका स्वागत है हमारे इस जनता बोल के खूबसूरत सेटअप पे, और आप आज देख ही रहे हैं कि आज आप क्या खाने वाले हैं। गुपचुप। बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड में हम शोकेस किए हैं तीन जगहों के गुपचुप। हमें वोट्स और पोल तो बहुत सारे गुपचुप के आए, कुछ जगहें तो ऐसी थी जो मैंने भी नहीं सुने होंगे, आपने भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये तीन जगह जो हैं वो टॉप थ्री पिक्स हैं जिसको आज हम ट्राई करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, मतलब गुपचुप के लिए तो मैं पागल हूँ, जैसे लड़कियाँ पागल होती हैं ना गुपचुप के लिए, तो मैं भी। आज के इस एपिसोड में हमारे पास हैं तीन जगहों के गुपचुप, नागरिया, श्री साई और हसमुख के गुपचुप। के लिए कौन तैयार नहीं हो सकता जाने वाले। ये गुपचुप देखकर पानी ऐसा आता है जैसे नगर निगम का पानी नलों से आता है। तो नैडी भाई, ये है हमारा पहला गुपचुप। आप बना के नहीं देंगे भैया? हम बना लेते हैं आपके लिए। हम बना लेते नहीं, हम ही बना लेते। नहीं नहीं, उंगलियों पता नहीं धुली है आपकी कि नहीं धुली है। अरे उसी का तो स्वाद है। एक मिनट, प्याज का है? प्याज का है? प्याज का है। अबे जल्दी जल्दी काटो ना, गुपचुप खिला रहे हो कि खिचड़ी बीरबल की पका के खिला रहे हो तुम हमको? बारीक काटो और उसका छिलका निकालो। अबे दो चाकू चला हुआ ऐसे खबर खबर, जल्दी करो। हाँ, कहाँ हो गए भैया? ये आपका प्याज काट रहा था ना। हाँ। ये लीजिए और खाते हैं अपन। अब करेंगे शुरुआत। बिल्कुल। डुबा के खाने का मजा है ना, जो उंगलियां डूबती है इससे हो नहीं पा रहे ना, कुछ ज्यादा देसी। ये रईसों का चोचले। बिल्कुल सही बोले यार, प्याले मंगवा दो प्लीज। ये है अपना ये। जो बचपन से खाते हैं, जो ठेले में भैया आते थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पानी, खट्टा पानी बहुत अच्छा लगा, अगर इसको बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो खट्टा मीठा भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ओवरऑल। और इसमें चने और मिर्च और जो भी है, परफेक्ट। तो अब हमारा जो दूसरा गुपचुप है जो हम खाने वाले हैं, वो उसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी, जो कि है हसमुख। तो बिना वेस्ट किए टाइम चलिए खाते हैं। तो भैया जी, एक सवाल करना था आपसे। पूछिए पूछिए पूछिए। बुरा तो नहीं मानेंगे, आप डीजे क्यों लिखते हैं? क्या आप डीजे थे पहले? डीजे नैडी आप अपना नाम? एक जमाना हुआ करता था। अच्छा। जब हमको डीजे बनने का शौक था। डीजे बनने का शौक था आपको? बने भी, ईडीएम प्रोड्यूसर, मेरे बहुत सारे ट्रैक्स आए, बट उस टाइम पे ट्रेंड नहीं था EDM का इंडिया पे, मतलब उतना स्कोप नहीं था। बट वो मैं कब डिस्क जॉकी से डिस्प्ले जॉकी बन गया मुझे भी पता नहीं चला। पानी कैसा लग रहा है आपको? कुछ खट्टापन सा, कुछ लजीज सा, कुछ स्वादिष्ट सा, लेकिन उसको बोलते क्या है? अच्छा लगना। तो क्या आप तैयार हैं हमारा तीसरा गुपचुप स्लैश पानी पूरी स्लैश गोल गप्पे स्लैश वाटर बॉल्स खाने के लिए? सब एक ही होता है, और केबीसी के अमिताभ बच्चन ना बनो, सीधा खिलाओ। हाँ चलो ठीक है। रट बटन, मैंने हसमुख पे और उससे पहले नागरिया दोनों खाए थे, ये नहीं खाए थे। ये काफी शायद मैं ज्यादा फ्यूचर में यही खाने वाला हूँ। ये कहाँ के? ये है श्री साई गुपचुप, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। आपने खाया है कभी? नहीं नहीं, बोल रहा हूँ मतलब पहली बार खा रहा हूँ, और ये बहुत ही यूनिक, मतलब जितने अभी तक मैंने गुपचुप खाए है ना,
सबसे अलग यही है। पानी कैसा लग रहा है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो नेडी भाई, आपके लिए परफेक्ट गुपचुप कौन सा होता है? परफेक्ट गुपचुप की परिभाषा ये है कि मुंह में जाते ही आवाज आनी चाहिए। परफेक्ट। तीखा होना चाहिए। तीखा होना चाहिए। तीखा होता है तो मतलब मुझे नेक्स्ट डे बाथरूम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कैसा? मतलब ऐसा मुंह बन जाता है। टमाटर। तो भैया जी, मन भर गया हो तो कंक्लूड कर दे कि आज हमने क्या क्या खाया है, कैसा टेस्ट था। मन तो नहीं भरा है, पर ये तीन कैमरों की वजह से रुकना पड़ेगा तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नेडी भाई, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि हमारा फेवरेट कौन सा गुपचुप था और किसमें कैसा कैसा पानी था, कैसा मसाला था, किसका आलू अच्छा था, किसका फुल्की अच्छा था। तो चालू करते हैं पहले राउंड 1। हसमुख का ये मसाला है, इसमें सिर्फ आलू और चना है, ठीक तो है। वही जगह इसको देखेंगे तो इसका मसाला दिखने ही में ही एकदम तीखा थोड़ा सा दिख रहा है कि लाल मिर्चे काफी स्प्रिंकल्ड है इसके ऊपर। और ये जो है इसमें मेरे को तो पहले से ही दिख रही है कि इसमें बहुत ज्यादा धनिया को वो किया गया है। धनिया भी है और जीरा भी है। तो नेडी भाई बताइए, आलू के राउंड में कौन जीता है? ये नागरिया, नागरिया का गुपचुप है। ये नागरिया का मसाला राउंड 1 का आलू का विनर है। राउंड 2। तो आते हैं हम सबसे पहले हसमुख का पानी बहुत ही ज्यादा मसालेदार था। इसके बाद हम आते हैं श्री साई का। आपको कैसा लगा पानी? इसमें पुदीना का टेस्ट था तो मतलब इसको पीने के बाद, खाने के बाद काफी रिफ्रेशिंग लग रहा था, एकदम ताजा हो। नागरिया का पानी ये कैसा लगा आपको? हसमुख का नागरिया से थोड़ा सा बेटर था। हसमुख का पानी मुझे और मेरे लिए जाएगा श्री साई। ओ, इस बार हमने कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारे बीच। और अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गुपचुप के कंपोनेंट, जो कि हैं पानी पूरी, बताशे, वाटर बॉल्स। ये है हसमुख का पापड़ी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्रिस्पी है, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो। उसके बाद हम आते हैं श्री साई के गुपचुप में। श्री साई के जो गुपचुप हैं वो उड़द और मैदे के बने होते हैं, और ये और हसमुख और नागरिया के जो गुपचुप हैं वो बने हैं सूजी और मैदे। तो आपके हिसाब से पूरीज में कौन जीतता है? इसी में जाऊंगा श्री साई। श्री साई, मेरा भी श्री साई। तो नेडी भाई, आज का वक्त आ गया है कि हम अपनी ऑडियंस को बता दें कि कौन से विनर हैं। तो ड्रम रोल के साथ आंख बंद करके 3, 2, 1। क्या है, सिमिलर है? वाह। तो गाइस, जनता बोल, डीजे नेडी और मेरा भी फेवरेट है श्री साई गुपचुप। कांग्रेचुलेशंस, और आज के विजेता है श्री साई गुपचुप। कहाँ गया? पानी भी ले जा रहे हो? श्री साई गुपचुप विजेता है आज। लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी भूलना मत। और वीडियो देखते रहो।